हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, रेगुलर इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया। जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड तो आ गया है, बट उसके एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं दिया गया है, किसी का सब्जेक्ट गलत दे दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर सोल्यूशन और विद प्रूफ बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया। जी हाँ, उन रेगुलर कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था पर उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीबीएसई द्वारा जो है प्राइवेट कंपार्टमेंट और रेगुलर वाले जितने बच्चे उन सभी के जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, बट जो रेगुलर वाले बच्चे वो अपने स्कूल में जाकर अपने एडमिट कार्ड को ले सकते हैं क्योंकि उनका एडमिट कार्ड जो है सीबीएसई ने ऑनलाइन जारी नहीं किया अभी तक। तो वो सभी बच्चे जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना दोस्तों, एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो सभी बच्चे जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर से कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं इस साल, वो अपने स्कूल में जाकर एडमिट कार्ड ले सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 23 अगस्त हो चुकी है और 23 अगस्त के हम कहें तो 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको क्लियर कवर कट कह दे रहा हूँ कि आप अभी स्कूल में चले जाइए और स्कूल वालों को कहिए कि हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है, हमारा एडमिट कार्ड दे दीजिए, वो आपको एडमिट कार्ड अपना आपका दे देंगे, राइट। इसके अलावा बहुत से बच्चों का अभी तक बहुत डाउट क्लियर नहीं हुआ कि सर हमारा अभी एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं है। अगर अभी भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं आ रहा दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दो चीज है जिसके माध्यम से आप अपना जो है एडमिट कार्ड में जो है सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। एक जो माध्यम वो है ट्विटर के द्वारा, आप ट्विटर पर टैग करके सीबीएसई को है ना ये लिख कर सेंड कर दीजिए, वो विद इन जो है 4 से 5 घंटे में आपको आपका सोल्यूशन दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ट्विटर नहीं कर सकते, ट्वीट नहीं कर सकते, तो आप मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन देख सकते, मेल भी कर सकते हैं। तो ये मैटर दोस्तों लिखा हुआ है, ये कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको आकर सेंड कर सकते हैं, तो इससे आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो, क्योंकि बहुत से बच्चों का सॉल्व हो चुका है। अगर आपका कहीं सेंटर दूर पड़ा है तो ये भी सेंटर भी नज़दीक करवा सकते हैं, ठीक है, आप जाने में सक्षम नहीं है दूर तो वो भी आप इसके माध्यम से करवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सीबीएसई ने जो एडमिट कार्ड जारी किया है वो इतनी जल्दीबाजी में जारी किया कि मानो उसमें बस गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें भुगतनी पड़ रही हैं, गलती सीबीएसई के। तो दोस्तों देखो, अब गलतियों पर जो है हमें दोष देना बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि 2 दिन का समय बचा हुआ, अगर हम इसी तरह करते जाएंगे तो एग्ज़ाम भी चला जाएगा और फिर सीबीएसई कहेगी हमने अब तो आपको एग्जाम के लिए टाइम दिया था, एडमिट कार्ड दे दी, तो वो भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों। तो आपको ही अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने आप अपनी मदद करनी है, कोई मदद नहीं करने वाला आपको दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों आज जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है वो अपने स्कूल जाकर एडमिट कार्ड ले सकते हैं, और जिन बच्चों का सेंटर नहीं है, रोल नंबर गलत है, सब्जेक्ट गलत है, तो वो इसके माध्यम से अपने सेंटर और रोल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि लगातार बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, और दोस्तों मैंने आप सभी कहा था डिस्प्यूट जो सेटलमेंट कमेटी की जो रिजल्ट है हो सकता है आज आ जाए, बट आज मैं दोस्तों सीबीएसई के रीजनल ऑफिस भी जाऊँगा और जो जो आर ऑफिस है वहाँ पर भी जाऊँगा मैं, क्योंकि दोनों पास ही हैं, तो दोनों पर जाकर मैं दोस्तों सारी चीज़ें पता कर लूँगा। हाँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आप लोगों के कमेंट्स का जवाब का, तो बिल्कुल ही पैनिक मत कीजिए कि मैं आने के बाद सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, वाईफाई से घर से मैं बात करता हूँ, कोई फ़ोन में इंटरनेट रहता नहीं मैं, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको अगर जवाब ना दे पाऊँ तो बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। घर पर आने में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, हो सकता है मेरे वहाँ जाने के बाद तक या उससे पहले तक डिस्प्यूट के बारे में कुछ रिजल्ट आ जाए, कुछ चीज़ें आ जाए। तो दोस्तों होप फॉर द बेस्ट और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, 2 दिन बचा हुआ है तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सीबीएसई तो कुछ कर नहीं रही है तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो स्कूल से जाकर ले लीजिए, अगर आपके एडमिट कार्ड में गलती है तो गलती इस माध्यम से जो है आप सुधार सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को जो डाउट वो क्लियर हो जाए और कोई बच्चा किसी भी असमंजस में ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों नज़दीक है, परसों एग्ज़ाम आप सभी के। तो यही ये कहना चाहता था दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।